अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहुत बहुत खुश आमदीद मेरी वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडोज़ 10 अक्टूबर अपडेट के बारे में, जो कि 1809 वर्जन है। और इसमें आपको काफ़ी एरर्स और काफ़ी बग्स देखने को मिलेंगे। मैंने ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसमें बताया कि यार इसमें मुझे ये बग्स मिले हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुझे लैग फील हुआ, और काफ़ी टाइम मुझे जो है वो फोल्डर जो है वो हाइड हो जाते थे, काफ़ी टाइम लोडिंग नहीं करता था। तो ये मसले मुझे आते रहे, तो इन सॉल्यूशंस का हल मैंने फाइनली निकाल ही लिया। मेरे तकरीबन अभी 90% जो है वो एरर्स ख़त्म हो गए हैं, और 90% तकरीबन बग्स ख़त्म हो गए हैं। अभी 10% का मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मुझे अभी तक सही ख़ास नहीं पता कि बाकी के एरर्स कहाँ से आ रहे हैं, बग्स कहाँ से आ रहे हैं। बट मैंने एक चीज़ फाइंड आउट की, वो ये है कि ब्लैक थीम जब आप यूज़ करते हैं तब आपके पास एरर्स आते हैं। वैसे अगर आपके पास सिंपल लाइट थीम है तो आपके पास एरर्स नहीं आएंगे, ना ही बग्स आएंगे, कुछ भी इस तरह का नहीं आएगा। आपकी विंडो पहले की तरह स्मूथ रन करेगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपको कोई भी फोल्डर ओपनिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा, सेटिंग में जो है हैंग हो जाना जो मैं अभी बता रहा हूँ ये बिल्कुल नहीं होगा। आपकी विंडो जो है वो बिल्कुल स्मूथ काम कर रही। मुझे नहीं पता ये एरर क्यों ब्लैक थीम में आ रहे थे, बट अभी मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी काम बाकी है ब्लैक थीम में। तो मैं इसे नहीं यूज़ कर रहा आज से, और विंडो अभी मेरी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। मैंने 2-3 दिन से, पिछली वीडियो मैंने अभी तकरीबन कल अपलोड की, तो आज मैं ये अपलोड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मैंने पीछे एडिट करने में टाइम लगा मुझे, और अपलोड करने में टाइम लगा, बट इसमें मैं एडिट भी कोशिश करूँगा कि जल्दी कर लूँ और जल्दी से जल्दी आपको ये वीडियो बताऊँ कि आप एरर्स कैसे इसमें सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप सेटिंग में जाएँ, हाँ प्रोफेशनलाइज में जाएं, और वहाँ से आपने कलराइज कलर में जाके वहाँ पर आपने डार्क मोड को लाइट में कर देना है, तो आपके काफ़ी एरर्स कम हो जाएंगे। अगर आपकी ये भी हेल्प नहीं कर रहा तो शायद मुझे लग रहा है मेरी विंडो में सिर्फ ये जो बग्स आ रहे थे ये शायद मेरी विंडो में थे। अगर आपके पास भी ऐसे बग्स आ रहे हैं जो भी मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, तो आपके मुझे यकीन है ये सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं कोई और सॉल्यूशन ज़रूर ढूंढने की कोशिश करूँगा। अभी मुझे मैंने ये 2-3 दिन हो गए हैं मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास एक मरतबा भी ऐसा कोई भी बग नहीं आया या फिर ऐसी कोई भी एरर नहीं आया जो पहले आ रहा था। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अगर मन करता है तो ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छी है तो ज़रूर ही करिएगा, अगर नहीं है तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि मैंने क्या गलती की। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। मैं वैसे ग्राफिक्स ड्राइवर पर भी थोड़ा कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि क्या उसमें भी बग्स हैं कि नहीं, शायद 10% बग्स उसमें आ रहे हैं, 90% का विंडो दे रही है तो 10% उसमें भी आ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।